दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। शर्मनाक हार के बाद कैप्टन रोहित शर्मा ने दिया अजीबोगरीबो बयान। ये बयान क्या है इसको जानने के लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के हाथों राजकोट में खेले गए तीसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में 66 रनों से हार का सामना करना पड़ा है। टीम इंडिया की इस शर्मनाक हार के बाद कैप्टन रोहित शर्मा ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है। कैप्टन रोहित शर्मा ने पिछले मैचों में भारत के प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय टीम मैनेजमेंट वर्ल्ड कप से पहले खिलाड़ियों की भूमिका को लेकर किसी तरह की भ्रम की स्थिति में नहीं है। कैप्टन रोहित शर्मा ने कहा, हम बहुत अच्छे खेल रहे हैं। जब हम वर्ल्ड कप की 15 सदस्यीय टीम की बात करते हैं तो हम इस बात को लेकर स्पष्ट है कि हम क्या चाहते हैं और वो कौन सा खिलाड़ी है जो हमारे लिए ये भूमिका निभाएगा। हम किसी तरह से भ्रम की स्थिति में नहीं है। हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हम किस दिशा में आग बढ़ रहे हैं। कैप्टन रोहित शर्मा ने कहा कि उनकी टीम ने पिछले कुछ मैचों में चुनौतियों का अच्छी तरह से सामना किया और वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में मिली 66 रन की हार को बहुत तवज्जो नहीं देते। रोहित शर्मा ने कहा, पिछले 7-8 मैचों में हमने वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया। हमने भिन्न परिस्थितियों में अच्छा खेल दिखाया। कुछ अवसर पर हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हम उनसे अच्छी तरह निपटे। दुर्भाग्य से आज परिणाम हमारे अनुकूल नहीं रहा, लेकिन मैं इसको लेकर बहुत ज्यादा नहीं सोचने जा रहा हूँ। दोस्तों रोहित शर्मा के ये बयान सुन के आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।